हेलो निखिल, आगे आ जाओ, जूम कर रहे हो? ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो सारे मिनीचर हैं, ये सारे के सारे फाइबर ग्लास पूल हैं। जैसे बड़े बनते हैं, यहाँ पे हमने छोटे दिखाए हैं। सपोज इसको बोलते हैं रोमन शेप पूल, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है रोमन टाइप है। इसमें तीन स्टेप्स आ गए हैं पूल के अंदर जाने के लिए। अब कुछ पूल हमारे ऐसे हैं कि जो बड़े और छोटे हो सकते हैं, इन द लेंथ ओनली। डेप्थ में कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेप्थ के बाद में गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। यू नीड टू हैव प्रॉपर गार्ड्स एंड यू नो लाइफ गार्ड्स एंड ऑल। सो बेस्ट है कि आप 4 से 4.5 फीट का पूल रखें। 3.5 कर सकते हैं, 2.5 कर सकते हैं, बट गहराई में जाने से आपके जो स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाते हैं और आपको सेफ्टी का इशू रहता है। अब जैसे रोमन शेप पूल है, तो इसमें हम लोग ये साइज बढ़ा और घटा सकते हैं लेंथ वाइज। जैसे हम देख रहे हैं 15x7x4.5 हो गया। सिमिलरली 21x7 4.5, 26x7.45। तो बेसिकली आपको समस्या इन्हीं पूल में रहेगी कि भाई इनको कहाँ बढ़ाएं कहाँ घटाएं। तो ये आप समझिए कि लेंथ वाइज बढ़ेंगे, विड्थ वाइज नहीं बढ़ेंगे। सिमिलरली जो ये दूसरे वाला पूल है हमारा रेक्टेंगुलर पूल, इसमें भी हम 12 फीट, 15 फीट, 19 फीट, 25 फीट और 31 फुट, तो 5-6 साइजेस इसमें भी बढ़ा सकते हैं हम लोग लेंथ वाइज। सिमिलरली ये वाला जो पूल आप देख रहे हैं, स्पाज भी कुछ हमारे ऐसे हैं जो हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे ये वाला स्पा है, इसको भी हम 12, 15, 18 और 25 तक दे सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो बाकी डिजाइन्स हैं वो हमारे फिक्स्ड हैं। जैसे ये फैमिली पूल है ओलिव मॉडल, जिसमें हम लोग स्पा जकूजी रखे हैं, स्टेप्स रखे हैं, इनबिल्ट हैं। इसका साइज 21, 11, 5 ही रहेगा। सिमिलरली इसका साइज भी जो सिम्फनी मॉडल है हमारा 17, 7.5 रहेगा। बीन शेप पूल है, उसका भी फिक्स रहेगा। जो स्विम स्पा है हमारे इधर, इनके भी ऑलमोस्ट सबके साइज फिक्स होते हैं। सिर्फ 2 या 3 मॉडल हमारे ऐसे हैं जिसमें हम घटा या बढ़ा सकते हैं, तो वो आपने ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा साइज किस जगह में फिट होता है। प्लस हमेशा फिल्ट्रेशन सिस्टम के लिए वी नीड टू हैव एक्स्ट्रा स्पेस से 2 फिट, चाहे वो इधर हो या इधर। तो अगर किसी के पास 15, 17 फुट बाय 7 फुट की जगह है तो भी पूल लग सकता है। थर्डली हमें देखना पड़ेगा कि सीढ़ियाँ किस तरह हैं किसी भी पूल में। जैसे इसमें हमें लेंथ वाइज ही सीढ़ियाँ मिलती हैं, इसमें हमें विड्थ वाइज दोनों तरफ सीढ़ियाँ मिल जाती हैं, इसमें हमें एक ही तरफ सीढ़ी मिलती है, इसमें भी हमें लेंथ वाइज मिलती है, इसमें भी हमें इस तरफ मिलती है। सो यू नीड टू डिसाइड कि किस तरफ से हमने हमारे पास जगह ज़्यादा है, उसी हिसाब से आपको पूल को कस्टमर को सजेस्ट करना है कि भाई ये वाला पूल यहाँ पे लग सकता है। अभी हमने कुछ फाइबर ग्लास पूल में एक और नई चीज़ें की हैं, एक या 2-3 चीज़ें हैं। तो नॉर्मली आप देख रहे होंगे सारे के सारे पूल ना ब्लू या व्हाइट या ग्रे कलर के हैं। हमने क्या किया है कि एक जो डिजाइन है वो पूल की बॉडी के अंदर ही डाल दिया है, तो दिस इज कॉल्ड डिजाइनर पूल। ये डिजाइन हम जितने भी हमारे पूल हैं ये वाले, इन सब के अंदर दे सकते हैं, बट ऑन अ एडेड कॉस्ट ऑफ कोर्स। सो ये भी हम एक नई चीज कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम कलर वी कैन दिस गिव दिस थिंग। एक और ऑप्शन आ रहा है अभी हम, जिसमें कि हम वी कैन पेस्ट द टाइल इनटू दिस थिंग। सो हम लोग इसमें टाइल पेस्टिंग भी कर सकते हैं, अगर आपको इफ कॉस्टिंग इज नॉट इशू। सो इन पूल के अंदर टाइल भी लगा सकते हैं, तो वो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड हो जाएगा। इट लुक्स लाइक ए नेचुरल पूल एंड विल बी हैविंग द क्वालिटी ऑफ फाइबर ग्लास पूल, विच आर द बेस्ट, विच इज नॉट पॉसिबल इन सिविल वर्क पूल। तो ये हम कर सकते हैं।